बच्चे सो रहे हैं दोनों, और आज दिन में सोए नहीं थे तो शाम के टाइम सोए हैं, दोनों सो गए हैं। और अब मैं इनको उठाऊंगी 8:30 बजे। और कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में और हर जगह पर ये पहुंच रहा है। 8 बजे मोदी जी कुछ बताएंगे, 8 बजने में, अभी 10 मिनट हैं, 8 बजे मोदी जी बताएंगे कि इस बारे में आज कुछ बोलेंगे कि क्या करना है, कैसे इसको रोका जाए, कैसे लोगों को संबोधित करेंगे। और देखते हैं क्या बोलते हैं कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, शायद नहीं होगा लॉकडाउन, क्योंकि न्यूज़ में भी ये खबर आ गई है कि नहीं होगा। और मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, मैं घर में हूँ, बच्चों को अपने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ, हम लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। बस हस्बैंड है जो ऑफिस जाते हैं और शाम को आ जाते हैं और रात में आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं सबसे पहले वो हैंड वॉश वगैरह करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, सबसे पहले जो कपड़े पहनकर वो जाते हैं सबसे मैं उनके कपड़े बाहर रखवा देती हूँ, कहती हूँ कि जो कपड़े उतारे हैं वो वॉशरूम में ही रख दें और उसमें से उसको मैं अगले दिन धो देती हूँ। और कोई भी जो बाहर से वो पहन कर आते हैं वो चीज़ वो अंदर नहीं लेकर आते, मैं उनका जो बैग है वो भी बाहर रख देती हूँ क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, और फिर सैनिटाइज वगैरह करके हैंड वॉश करके फिर ही वो बच्चों के पास बैठते हैं। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, जो शादी में मेरी देवर की शादी है, और है शादी 26 अप्रैल की, जिसके लिए हमें 15 अप्रैल को निकलना है, हमें जाना आउट ऑफ स्टेशन। और जो मेरे इन लॉज हैं, मैंने उनसे कहा भी था कि शादी को डिले कर दिया जाए, लेकिन वो लोग शादी को डिले नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, शादी को डिले नहीं करना चाहते हैं। इतना हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, सब आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये कोरोना वायरस है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सब लोग डर में जी रहे हैं कि कहीं उनको ये इन्फेक्शन ना हो जाए, अपने बच्चों को और अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखे, कैसे अपने आप को बचा के रखे, सब यही उपाय कर रहे हैं। आना जाना लोगों ने कम कर दिया है, जिनके घरों में शादियां थी, फंक्शन थे, उन्होंने डिले कर दिया है। तो मैंने भी बोला कि डिले कर देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं और बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आज निक्कू की दादी का मॉर्निंग में फ़ोन आया, निक्कू के पापा से उन्होंने कहा कि कार्ड जो है वो प्रिंट करा देंगी, और कार्ड छपवाने के लिए निक्कू के पापा ने कहा था कि ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, कार्ड मैं छपवा दूंगा, तो कार्ड वो छपवाने के लिए उन्होंने बोला कि कार्ड छपवा देंगी। फिर मैंने इनसे बोला कि कार्ड मत छपवाओ भी, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि शादी की डेट जो है वो डिले होगी क्या होगी, जब इतनी सारी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही हैं, ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है, हो सकता है कि 15 अप्रैल की भी ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाए। आगे देखते हैं क्या होगा, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कुछ भी हो सकता है ना, आगे देखा जाएगा कि क्या करना है इस बारे में। और बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे इसी चीज़ की। शादी में मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी में मैं तो नहीं जाने वाली बिल्कुल भी, मैं और मेरे बच्चे शादी में नहीं जाएंगे, हस्बैंड जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे तो जाना पड़ेगा, तो वो तो जाएंगे, उनको मैं रोक भी नहीं सकती, और वो जाएंगे शादी में, लेकिन हम लोग शादी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, बच्चे आप कितना भी बच्चों को समझा दें, आप बच्चों को मास्क लगा दें, सैनिटाइज कर दें, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए इग्नोर किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अवॉइड करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, तो हमें अपने बच्चों को, देखो हमें नहीं पता है बच्चों को कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, हम पेरेंट्स हैं, हमें ही जानते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा। बच्चे तो इतने नाजुक हैं कि जरा से में उनको इन्फेक्शन हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बस ये जल्दी से ये वायरस खत्म हो जाए, और खत्म होने के बाद भी मैं चाहती हूँ ये शादी जो है वो डिले कर दी जाए, शादी 6 महीने बाद रखी जाए, अक्टूबर में रख सकते हैं शादी, कोई अगर हम समझाएंगे, ये लड़के वाले अगर ये समझाते हैं तो लड़की वाले भी मान जाएंगे, भाई उन्हें क्या दिक्कत है, जब ठीक से समझाया जाएगा उनको कि शादी डिले क्यों की जा रही है, रीजन है जो पूरी दुनिया देख रही है कि क्या रीजन है, तो और शादी को डिले करने में क्या प्रॉब्लम है, जो चीजें आपने अभी की है उसको डिले करके आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरी ननद है, उन्होंने कहा कि उनकी भी पूरी पैकिंग हो चुकी है, बैग पैक हो गया है उनका भी, और जाने के लिए वो तैयार है। मैंने तो शॉपिंग भी रोक दिया, कोई शॉपिंग अब मैं कर रही हूँ, मार्केट नहीं जा रही हूँ, जो मैंने अपनी शॉपिंग की थी पहले मैंने आपको दिखाया भी था, जो मैंने अपना लहंगा वगैरह बनवाया था, वो तो भी बाद में भी काम हो जाएगा, बाद में शादी होगी तो वो कपड़े बाद में भी यूज हो जाएंगे, लेकिन अब मैं कोई शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, हमने डिसाइड कर लिया कि हम तो शादी में नहीं जाएंगे, जिंदगी भर मुझे इस बात के लिए सुनना पड़ेगा, तो मैं सुन लूंगी, कोई बात नहीं, जिंदगी है तो सुन भी सकते हैं, जब जिंदगी है, हम हैं, जिंदा हैं, तो हम बातें भी सुन सकते हैं, गालियां भी सुन सकते हैं, लेकिन जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो तारीफें कहाँ से सुन लेंगे, जब जाकर अगर हमें तारीफ मिलनी है, तारीफ के लिए अगर मैं चली जाती हूँ शादी में, और भगवान ना करे कुछ हो जाता है मुझे, और जब मैं हूं ही नहीं, मैं
जिंदा ही नहीं हो तो फिर मैं तारीफें क्या करूंगी सुन के, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए स्टेज पर। अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये उनकी मर्जी, नहीं समझते हैं ये उनकी हेडेक है, लेकिन मैं जहां तक समझ रही हूँ कि मैं इस शादी में नहीं जाना चाहती हूँ, इसी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं शादी को लेकर, और मैंने क्या क्या तैयारियां की थी बहुत सारी आपको दिखाया भी था मैंने, और सोच रही थी मैं जाऊंगी, लेकिन अब मैं शादी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर शादी डिले हो जाती है, अक्टूबर में शादी रखी जाएगी, तो मैं जरूर शामिल होंगी शादी में पूरी खुशी के साथ, लेकिन अभी मैं इस शादी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे अंदर डर है बहुत ज़्यादा, सेफ्टी अपनी अपने हाथों में होती है, इतनी बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ जी हैं, उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है, वो इतने बड़े लोग हैं, वो इतने बुजुर्ग हैं, उन्हें पता है कि कहाँ कैसा इन्फेक्शन होता है, किस चीज़ पे हाथ लगाना चाहिए, कैसे फेस को मास्क कवर करना चाहिए, फिर भी उन्होंने खुद को घर में अपना क्वारंटाइन कर लिया है। तो सोचो हम तो बहुत नॉर्मल से लोग हैं, और हम ये चीजें पढ़े लिखे होकर हम ये चीजें नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। उनको नहीं समझ में आ रहा है, ये पता नहीं क्या रीजन है, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बस उनको तो शादी की लगी हुई है, शादी उनको करनी है। हाँ अच्छी बात है, आपको शादी करनी है, आपको बच्चे की चिंता है कि आपको शादी करवानी है, लेकिन मैं इस शादी में बिल्कुल अटेंड नहीं करूंगी इस टाइम पर, अगर ये शादी होती है तो। निकू उठ गया बेटा, निकू ऊपर बैठो बेटा, नीचे नहीं, नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर आ जाओ, चलो बच्चों को मैं बिल्कुल भी बाहर दूध दे दूं बेटा। अभी अभी निकू सोकर उठाए, काव्या सो रही है अभी भी, और बस यही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे एडवाइस कीजिए कि मैं ये जो शादी है इसमें जाने के लिए मना कर रही हूँ, मैंने ये फैसला किया है मैं शादी में नहीं जाऊंगी 15 अप्रैल को, और 30 अप्रैल की वापसी है, नहीं मैं 15 दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकती, अपने घर से मैं नहीं निकालना चाहती हूँ, और क्या ये डिसीजन मेरा ठीक है, क्या मैं सही कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा। बातें सुनने को मिलेंगी, मैं जानती हूँ बातें सुनने को मिलेगी, बातें बनाई जाएगी मेरे बारे में कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, और मैं सच बता रही हूँ कि मेरे खुद के भाई की भी शादी होती ना, वो देवर भी मेरे भाई की तरह है, छोटा भाई है मेरा, मेरे खुद के भी सगे भाई की शादी होती तो भाई मैं डिले करवा के छोड़ती इस शादी को। उन लोगों को भी मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग डिले नहीं कर रहे हैं शादी को, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि शादी को डिले कर दो, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, कह रहे कि नहीं कोई वायरस वायरस नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब अफवाह है यार, ये इतने लोग मर रहे हैं, अफवाह ही अफवाह नहीं है, आप खुद ही सोचिए। हर वक्त मुझे इसी चीज की टेंशन हो रही है कि ये शादी इस टाइम पर क्यों है, शादी को अगर डिले कर दिया जाए ना, सबसे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग शादी में नहीं जाएंगे, है ना बेटा, मैं अपने बच्चों को लेकर शादी में नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी, मुझे नहीं जाना है आउट ऑफ स्टेशन भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और मुझे अपनी जान का खतरा नहीं मोल लेना है, नहीं जाना है मुझे अपने बच्चों की सेफ्टी, मैं माँ हूँ मैं जानती हूँ मुझे अपने बच्चों की सेफ्टी कैसे करनी है, और जो भी कदम मुझे अपने बच्चों के लिए उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया की बातें क्यों ना सुननी पड़े, मुझे ताने क्यों ना सुननी पड़े कि मैं शादी में नहीं गई इस चीज के लिए मुझे ताना सुनना पड़ेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलियो जो बोलना है मेरे बारे में, लेकिन मैं खतरा नहीं मोल दे सकती। हस्बैंड है, मैं तो चाहती हूँ कि वो भी ना जाए, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो जाएंगे जरूर, उनका जाना बहुत जरूरी है, उन्होंने ऐसा कहा तो फिर वो जा सकते हैं, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं, रोकने से वो रुकेंगे भी नहीं, तो वो जा सकते हैं शादी में, जाइए आप, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। मैंने तो ये कह दिया कि आप जाते भी हो शादी में, आप वापस आओगे ना, तो वापस आने के बाद भी 8-10 दिन वहीं पर रहना, अपनी मम्मी के घर पर यहाँ मत आना, अपने बच्चों की सेफ्टी की वजह से। बस ये शादी डिले हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा सुख चैन मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से ना मेरा सुख चैन जा चुका है, मेरे हर वक्त यही टेंशन हो रही है कि ये शादी इस वक्त पे क्यों है। मैं शादी को अटेंड करना चाहती हूँ यार, दिल से मैं शादी में जाना चाहती हूँ, शामिल होना चाहती हूँ, मेरे देवर की शादी है ससुराल में, मेरी शादी के बाद पहली शादी है जो आएगी जिसको मैं अटेंड करूंगी, मैं नहीं चाहती थी इस शादी को छोड़ना बिल्कुल, लेकिन ऐसी कंडीशन उन लोगों ने बना दी है ना कि मुझे शादी छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे तो अभी भी टाइम है डिले कर सकते हैं शादी को, 26 अप्रैल की शादी है, चाहे तो डिले कर दें, अभी काफी टाइम बाकी है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपनी ननद को बोला, अपनी सास को भी बोला, लेकिन उन दोनों में से कोई भी सुनने का तैयार नहीं है, और हस्बैंड से मैंने कह दिया कि भाई कोई नहीं सुन रहा है, और वो भी नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी मम्मी को नहीं समझा रहे हैं, या उन्होंने कोशिश भी की तो उन्हें पता नहीं वो समझेंगी, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम। आप बताइए क्या मैं गलत कर रही हूँ ये करके कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा ये डिसीजन गलत है या सही है, आप बताइए। कि अगर मैं आपको लगता है नहीं ये डिसीजन गलत है मेरा, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ये तो पता लगे कि
मैंने क्या फैसला लिया है? जो फैसला लिया है वो मैंने सही लिया है, मुझे लगता है ये फैसला मैंने सही लिया। आप बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते इस कंडीशन में? जो ये कंडीशन है ऐसा हो रहा है, आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? जो मैंने डिसीजन लिया है, कि आप वही डिसीजन लेते शादी को अटेंड ना करने का, या फिर आप जाते खतरा उठाकर शादी में? मतलब यार, जिंदगी है, जान है तो जहान है, सुना होगा ना आपने, शादी तो होती रहेगी, शादी फिर भी हो सकती है, जिंदगी तो दोबारा वापस नहीं आ सकती ना। इस तरह का वायरस है, आप जानते कि एक बार लग गया ना ये वायरस, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है लोगों का। और न्यूज में सुन सुन के बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अभी मोदी जी क्या कहने वाले हैं इस बारे में, देखते हैं न्यूज में मोदी जी क्या बोलेंगे और क्या कदम उठाया जाएगा, सरकार क्या कदम उठाती है इस बारे में। हो सकता है कि लॉकडाउन ही हो जाए, हो सकता है कि दिल्ली में सब कुछ बंद हो जाए, ट्रेन वगैरह को बंद कर दिया जाए। इतनी सारी ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई, जब सब लोग ही नहीं होंगे, लोगों ने अपनी ट्रेन को कैंसिल करा दिया, जब लोग ही नहीं जाएंगे तो ट्रेनें तो कैंसिल होगी, और ट्रेनें ही रद्द हो जाएंगी तो शादी कहाँ से होगी? यार मैं खुशी नहीं हूँ इस शादी को डिले करने से, मैं खुशी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही शादी कैंसिल कर दो, आप डिले कर दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। खुशी इस बात की मिलेगी कि हम लोग सेफ हैं, हम लोग खुशी खुशी जाएंगे शादी में। अक्टूबर में शादी होती है तो हम लोग खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी शादी को अटेंड करेंगे, दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई सिरदर्दी नहीं होगी। लेकिन इस टाइम तो यार मैं इतनी सरदर्दी लेकर को मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती शादी में, बिल्कुल भी मैं नहीं इसके फेवर में नहीं हूँ। है ना निकू? निकू भी नहीं जाएगा, मम्मा के साथ रहेगा निकू, है ना निकू? तो यही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं क्या होगा। भगवान ये बस जल्दी ठीक हो जाए, माता रानी ये जल्दी ठीक हो जाए, जो भी फैल रहा है ये वायरस, इसको खत्म कर दो, दुनिया को बचा लो बस। किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो भगवान जी, बिल्कुल सब अच्छा अच्छा हो, किसी के ऊपर ऐसी दुख ना आए। इस वायरस को खत्म कर दो, पता नहीं सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से कौन सी आफत गले पड़ गई है, सब क्या हो रहा है दुनिया में देख देख कर बहुत बुरा लग रहा है। न्यूज चैनल्स वगैरह में दिखा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है देखकर, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। सेफ रहिए, मैं अपने बच्चों के बार बार हैंड वॉश करा रही हूँ, सैनिटाइजर ला कर रख लिया मैंने, और लेकिन सैनिटाइजर हम लोग घर में यूज नहीं कर रहे हैं, ला कर रखा है मैंने कि बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उसको यूज कर लेंगे। हाँ, बार बार मैं हैंड वॉश कराती हूँ, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रही हूँ, मैं भी बाहर जाती हूँ कुछ दुकान से लेने, तो आते ही हैंड वॉश करती हूँ सबसे पहले अपना, और हैंड वॉश करके ही मैं किसी भी चीज को टच कर रही हूँ, खाना पीना बच्चों को कुछ भी खिला रही हूँ, तो हैंड वॉश कर रहे हैं सबसे पहले। और आज काव्या के भी स्कूल से फोन आया था, काव्या के स्कूल में आज ओरिएंटेशन था, आज काव्या के स्कूल में, काव्या का हमने स्कूल में एडमिशन करवाया है, निकू को स्कूल में ही काव्या का एडमिशन हुआ है नर्सरी में, तो ओरिएंटेशन था, आज काव्या को स्कूल जाना था, लेकिन स्कूल से कल ही फोन आ गया कि मैम आप ओरिएंटेशन में नहीं आना है आपको, और ये वायरस की वजह से ओरिएंटेशन कैंसिल हो गया है। एडमिशन तो हो गया है बच्चे का, लेकिन ओरिएंटेशन नहीं होगा, हम आपको बताएंगे कि कब ओरिएंटेशन होगा। निकू का जो रिजल्ट है वो भी डिले हो गया है, रिजल्ट भी नहीं दिया है स्कूल वालों ने, कहा कि रिजल्ट जो है वो डिले कर दिया गया है, और जब भी आना होगा हम आपको कॉल करके बताएंगे, स्कूल में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। तो यही है, इतने जब स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए तो आप खुद ही सोचो यार, ये सब मजाक नहीं है, सीरियस है। कौन मतलब मेरे इन लॉज को कौन जाकर समझाए कि ये सब सीरियस है, उसको सीरियसली लीजिए, अपनी जान को जोखिम में मत डालो यार, समझो। नहीं समझते हैं, उनको मैं कितना भी समझाऊंगी वो नहीं समझेंगे, मैंने कोशिश भी कर ली समझाकर, मेरे हस्बैंड ने समझाया, नहीं समझे वो लोग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया है शादी में ना जाने का, ये बिल्कुल ठीक है कि क्या? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, क्या आप शादी अटेंड करते, जान जोखिम में डालते अपने बच्चों की और अपनी, या आप भी ये डिसीजन लेते जो मैंने लिया है कि शादी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी मुझे नहीं जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, ये जल्दी से जल्दी ये बीमारी धरती से खत्म हो जाए, सब खुशी खुशी रहें, जैसा चल रहा था सब वैसे ही चले। तो बाय गाइस, आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों की सेफ्टी रखिए, घर में रहिए ज्यादा से ज्यादा, बाहर मत निकलिए, भीड़ी वाली इलाकों पे मत जाइए, हाथ धोइए बार बार, सैनिटाइज कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए।